एरवावी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। हमारी नन्ही सोना की तो आदत है हर किसी की मदद करने की। आज वो चाचा के यहाँ गई है, वही जो चुस्की बनाते हैं। चलिए सुनते हैं सोना वहाँ क्या करती है। कहानी का शीर्षक है सोना की नाक बड़ी तेज। लेखिका विनीता कृष्णा और चित्र बनाए हैं सुविधा मिस्त्री। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। सोना के चाचा की बर्फ की चुस्कियों की दुकान थी। एक दिन सोना चाचा की दुकान पर गई। चाचा तरह तरह के स्वाद और खुशबू वाले रस तैयार कर रहे थे। चार चार पतीलों में आग पर इकट्ठे रस पक रहा था। सोना ने कहा, चाचा मैं भी रस पकाऊंगी। चाचा बोले, नहीं सोना, तुम बस ध्यान से देखो। चाचा ने एक पतीले में रंग और खुशबू डाली। सोना ने सूंघ कर कहा, गले में खट से लगने वाली गंध। चाचा ये काली खट्टी चुस्की का रसा है। ठीक सोना, चाचा ने पतीला हटाया, मगर कुछ और गंध भी है। सोना ने नाक सिकोड़ी, अच्छी गंध नहीं है चाचा। चाचा ने दूसरे पतीले में मसाला डाला। हाँ ये है भीनी मीठी खुशबू। सोना ने गहरी सांस ली, ये है अनारी मीठी चुस्की। वाह सोना, ये भी ठीक है। चाचा ने दूसरा पतीला उठाया, मगर कुछ और बेकार सी गंध भी है चाचा। सोना ने नाक सिकोड़ी, अब मैं डाल रहा हूं गुलाबी शीरे की चुस्की का मसाला। चाचा ने तीसरे पतीले में करछी चलाई, ठीक गंध है सोना, कुछ लगने लगा है पतीले में चाचा। सोना ने जोर से बोला। चाचा ने पलट कर झांका, रबड़ी के पतीले को झटपट आग से उतार लिया। शाबाश सोना, चाचा ने रबड़ी को दूसरे साफ पतीले में पलटा। रबड़ी चुस्की को बचा लिया तुमने, ये तो पतीले में लगने ही लगी थी। सबसे पहली रबड़ी चुस्की सोना को देते हुए चाचा ने सोना को प्यार से थपथपाया। हमारी बहुत ही सयानी सोना। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।